कि हमको मिला है शेर। ओह पत्थर का शेर, घबराइए मत, ये पत्थर का शेर है भाई, बनाई है दो। ऊपर चढ़ते चढ़ते थोड़ा सा थक ले हैं, बैठ के थोड़ा सा आराम करेंगे। और देख सकते हैं प्रकृति का ऐसा सुंदर, अद्भुत और आकर्षक दृश्य तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। हम लोग अभी गुफा के अंदर मुहाने पे खड़े हैं। छत है, ऊपर का छत एक ही चट्टान है दोस्तों, और बहुत लंबी है। मिनिमम मेरे अंदाज से जो मैं अभी देख पा रहा हूँ 1 किलोमीटर तक के दायरे पे है। आप लोग देख सकते हैं जो पानी है वहीं से निकल रहा है, चट्टान के बीच में एक छोटा सा गैप है, उसी गैप से पानी निकल रही है इस तरह से झरझर 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 करते हुए। तो दोस्तों आखिरकार हम जो बाबा धाम है, बाबा धाम का एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर पहुँचे हैं, लेकिन अभी भी जो सफ़र है अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्योंकि जो जगह पे जहाँ मेला होता है बैसाख के महीने में बाबा धाम पे, तो हम उसी जगह पे फिलहाल अभी आ रुके हैं। देख सकते हैं जो घर है, और एक्चुअली जो ये जो मैदान जगह दिख रहा है यहाँ पर मेला होती है। बट जो अभी हमारे पास चुनौती और भी बची है कि अभी हमें बहुत सारे रास्ता देखने को मिला है। पहली रास्ता इधर से है, दूसरी रास्ता जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं ये वाला, और तीसरा जो रास्ता हमको मिला है इधर से, मतलब ये वाला रास्ता। तो हमको डाउट लग रहा है यार, इतना जंगल में हम पहुंच तो गए हैं लेकिन कोई लोग नहीं है, जिसके चलते हमको कोई गाइड नहीं कर सकता कि एक्चुअली हमको कौन सा रास्ता हमें जाना है, और हम जो बाबा जी का जो आश्रम है, जो गुफा है, उसको हम देख सकेंगे। तो जंगल का जो नियम है, जो कानून है, और उसी में हम जटिलता में फंस चुके हैं, डाउट है। देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या है। वैसे यहाँ पर आने का जो प्राकृतिक सुंदरता है वो काफ़ी औसम है, इसकी कोई जवाब नहीं है, लाजवाब है। और चलिए हम फिर यहाँ से हम पहला ट्राई कर रहे हैं, इस वाला रास्ते से ऊपर जाएंगे, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए। मैं हूं तेन सिंह मरकाम और आप देख रहे हैं टुडे ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल, मान के चलते हैं फिलहाल। और ये जो जगह आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, काफ़ी मैदान है, वहाँ पर पहरी होती है, देख सकते हैं यहाँ पर कुंड है, वहीं पर हमने गए थे सामने, और यहाँ पर मेला लगते हैं। और जो आप लोग देख सकते हैं पेड़ पौधे सब जगाए गए हैं। ठीक है, तो इधर भी एक घर मिला है जहाँ पर फूल हैं, लाल वाला फूल, और भी बहुत सारे फूल लगाए हैं। और वहाँ पे एक घर है, लगता है वहीं पे लोग रहते हैं, तो वहाँ पर हम नहीं जाएंगे, हम सीधा झरना की ओर बढ़ेंगे और हम इधर से चलेंगे। ठीक है, जो पतली रास्ते हैं, तो बाबा आश्रम के लिए जाने के लिए हमको पतली रास्ते का सहारा लेना होगा, और हम श्योर नहीं है कि 100% यही वाला रास्ता है, लेकिन रिक्स ले कर चल रहे हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। और वैसे देख सकते हैं क्या सीनरी है, इसका तो कोई जवाब नहीं है, चारों साइड हरे भरे जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं। ओ हाँ, एग्जैक्ट यही है, यही है वो रास्ता, क्योंकि हमको मिला है शेर। ओह पत्थर का शेर, घबराइए मत, ये पत्थर का शेर है भाई, बनाई है दो शेर बनाई है। और लगता है ना, मतलब ये इनका कुछ प्लानिंग चल रहा था होगा यहाँ पर गेट बना के ऊपर चढ़ने का, लेकिन यहाँ जो है ज़्यादा पेड़ पौधे होने की वजह से रूट जो है बंद हुई है। और बेहतरीन लाजवाब एक्सप्लोर यार, जंगल ट्रैकिंग सच में मज़ा आ गया आज तो। हम सुबह 9 बजे से घर से निकले थे दोस्तों, लेकिन अभी 1 बज चुका है, जंगल के अंदर में है, और आप लोग सोच सकते हैं हम कहाँ कहाँ भटक रहे थे मेरे भाई, और आखिरकार हम उसी जगह पे पहुँच गए हैं। इतना बढ़िया सीनरी यार आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ग्रीनरी, बाबा आश्रम का पहुँचने का रास्ता। और वो शायद ऐसा कोई बंदा होगा मेरे भाई जो इन चीज़ों से लगाव नहीं होगा, तो वो वीडियो को स्किप करेगा, फॉरवर्ड करेगा। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा दीजिए, और हमें सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। तो चलिए हम लोग अभी चढ़ाई कर रहे हैं जंगल पे, और बोल रहे हैं कि अभी और बहुत ऊपर चढ़ना है दोस्तों। यार क्या बताऊँ मैं आपको,
वैसे थोड़ा सा रिस्क भी है, टेंशन भी है, कभी कभी डर भी लगता है, सच पूछो तो, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या है जंगलों पे अमूमन आना जाना नहीं रहता है, ठीक है, तो अचानक से जंगल का हमको ब्लॉक करना रहता है तो फिर दिक्कत हो जाता है भाई। तो ऊपर चढ़ते चढ़ते थोड़ा सा थक गए हैं, बैठ के थोड़ा सा आराम करेंगे। और कितना दूर है अभी यहाँ से? पता नहीं। ओह माय गॉड, नीचे देखो ये पूरा खाई है और हम इधर से चढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, एक गेट जैसे बनाए हैं यार, पता नहीं नीचे झुक के जाना होगा। ओह माय गॉड, यहाँ से थोड़ा थोड़ा वो अलौकिक दृश्य देखने को मिला है, देख सकते हैं चट्टान की बनावट कैसी है। दोस्तों प्रकृति का सुंदर समागम हम आप लोग को अभी बस कुछ ही टाइम के बाद दिखाएंगे, वीडियो पर पूरा बने रहिए। ओ माय गॉड, प्रकृति का ऐसा सुंदर नज़ारा आज तक मैंने कभी अपने जीवन में तो देखे नहीं है दोस्तों, आज आपको दिखा रहा हूँ। यार इतना बड़ा चट्टान भाई, देख सकते हो यार, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, क्या प्रकृति का सुंदर बनावट है। चलो मैं नज़दीकी ले आप लोग को लेता हूँ। या ओ ओ दोस्तों देखिए, अरे बहुत सुंदर आकर्षक नज़ारे बाबा धाम बनवा पारा हम पहुँच चुके हैं और आप लोगों को दिखा रहे हैं सुंदर आकर्षक मनोरम बाबा आश्रम। ओ पानी टपक रहे हैं यार, मस्त कूलर जैसे गर्मी। ओ देखो आप, यहाँ भी है लोकेशन बहुत बढ़िया, गजब गजब का लोकेशन है। हमने जो चढ़ाई किए थे जंगल के, ठीक है दोस्तों, हम वही रास्ते से यहाँ तक पहुँचे हैं। ये है बाबा धाम, आप लोग देख सकते हैं प्रकृति का ऐसा सुंदर अद्भुत और आकर्षक दृश्य तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। हम लोग अभी गुफा के अंदर मुहाने पे खड़े हैं दोस्तों, और अंदर हम जाएंगे या नहीं वो हम डिसाइड नहीं किए हैं। ये पूरा एक ही चट्टान से बना हुआ है, देख सकते हैं जो छत है ऊपर का छत एक ही चट्टान है दोस्तों, और बहुत लंबी है। मिनिमम मेरे अंदाज से जो मैं अभी देख पा रहा हूँ 1 किलोमीटर तक के दायरे पर हैं इस तरह से लंबा, क्योंकि वहाँ से शुरू होता है गुफा का परिसर और ये ऐसे लंबा ऐसे गया है दोस्तों, और आगे और गया है उस तरफ से, ठीक है, जो वही भी गुफाने का रूप ले लिया है। और मैं आप लोगों को एक शानदार सीन और दिखाना चाहूँगा, प्रकृति का सुंदर आकर्षक अद्भुत सदृश्य। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो पेड़ पौधे हैं, जो वो वाला जो देख रहे हो कितना छोटे छोटे आपको नज़र आएंगे, इसका मतलब हम लोग अभी बहुत ऊपर हाइट हैं, हाइट पर हैं, चढ़ चुके हैं, और हम लोग अभी हैं मौजूद बाबा ऋषि आश्रम बनुआपारा पे। और इसका प्रकृति का समागम मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, बस आप लोगों को दिखा सकता हूं इतना विशाल अद्भुत दृश्य है। तो हम थोड़ा सा अंदर जाएंगे और वहां पे हम आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये जो पानी निकल रही है भाई लोग, ये पानी इसी जो बड़ा सा पत्थर है, पत्थर के अंदर से निकल रही है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बेमिसाल है। ओवरऑल यहाँ का जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, सच में हमारा पूरा पैसा वसूल हो गया यहाँ तक आने का, जो मेहनत जो मशक्क़त हमने किए थे बाबा आश्रम देखने के लिए, और हमने जो अपेक्षा किए थे, हमने जो सोचे थे मन में
उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर मनोरम सुंदर आकर्षक नज़ारे में आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ यार। मतलब इस वीडियो को तो यार कम से कम भी 500 या 1000 लाइक भी कम पड़ जाएंगे, जितना हम मेहनत करके ऊपर में चढ़े हैं और ऐसा सुंदर आकर्षक दृश्य गरियाबंद जिला के अंदर में हम आप लोगों को दिखा रहे हैं दोस्तों। ये है बाबा आश्रम धाम और देखिए मेरे पीछे पूरा आश्रम का परिसर है, पूरा घर जैसी है। यहाँ पर अगर आप लोग रुक जाते हैं जितने मर्जी बारिश हो जाए भीगने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरे पीछे जो पानी है वो अंदर से निकल रहा है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, रहस्य की बात है। और इस रहस्य को आज तक किसी ने सुलझा भी नहीं पाया है, बस हम आप लोगों को दिखाएंगे और एक्सप्लोर करवाएंगे, ठीक है। तो वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहो यार, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर कीजिए। ऐसा अद्भुत सीन शायद आपने ही कहीं देखा होगा। वो है अभी हम लोग थोड़ा सा अंदर जाऊँगा और मैं आप लोग को दिखाऊँगा। ये पूरा एक ही चट्टान का छत है और यहाँ से देख सकते हैं जो पानी निकल रही है, अंदर से निकल रही है, चट्टान से निकल रही है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। मैं आप लोग को क्या बताऊँ, ऊपर वाले के दिन है, प्रकृति का दिन है जो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, और हमारा किस्मत है जो हम इस जगह पर पहुँचे हैं। वहाँ अंदर मत जाना, कोई अंदर मत जाओ, तो मत न कुछ मत करना भाई, कुछ चीज़ कुछ होना मत, जो है भर जाता है। आप लोग देख सकते हैं जो पानी है वहीं से निकल रहा है, चट्टान के बीच में एक छोटा सा गेप है, उसी गेप से पानी निकल रही है। इस तरह से झरझर 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 करते हुए ये पानी जो है ना नीचे जा रही है, जहाँ से हमने चढ़ाई किए थे वहीं तक जा रही है, और एक बड़ा सा नाला का रूप ले रही है, ठीक है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं जो पानी है कितने तादाद से निकल रही है, और ऊपर से लगातार टप 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 करके टपक भी रहा है, देख सकते हैं पूरे छत पे टपक रहा है। यकीन मानिए हम जब जंगल की चढ़ाई किए थे, ये गुफा का बाहर का दरवाज़ा है, देख सकते हैं वाह कितना सुंदर यार, सच में हमें तो ऐसे लग रहा है कि हमने कोई हेलीकॉप्टर चढ़ रखा है, वैसे हमको दिखाई दे रही है इसे भाई। वाह घर में बैठे बिठाए आप लोगों को भी हम हेलीकॉप्टर सीन दिखा रहे हैं। ये है गुफा के अंदर में अभी हम लोग, और बाहर का नज़ारा आप लोग देखिए, वाह ऑसम, ओके क्या शानदार नज़ारे हैं। और यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर वगैरह बनाने की इन्होंने काम कर रखे हैं, देख सकते हैं जो शेषनाग का मूर्ति शायद बनाने की काम जो है चल रहा था, बट शायद कुछ कारण होगा जिसकी वजह से ये बंद कर दिए हैं। पानी लगातार टपक रहा है, कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद तेरे को? बहुत ही शानदार नज़ारा है। तेरे को कैसा लगा? मज़ा आ गया। और बाबा जी का रुकने का जगह है एक्चुअली, बाबा जी का आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे कपड़े हैं और इनके कुछ सामान है, चटाई है। बाबा जी फिलहाल नहीं है, नहीं तो हम आप लोग को उनसे भी मिलवाते और कुछ ज़्यादा जानकारी आप लोगों को दे पाते। लेकिन देखो नज़ारे, देखो क्या सुंदर नज़ारे हैं। वहाँ से दरवाज़ा है, अंदर जाने का और भी रास्ते हैं, क्योंकि हम जाना नहीं चाहते वहाँ उस अंदर में, ठीक है। वो बाबा जी लोगों का कुछ काम रहता है वहाँ पे, तो हम वहाँ तो नहीं जाने वाले हैं दोस्तों। तो यहीं से मैं फिर से आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए दोस्तों क्या सुंदर प्रकृति का बनावट है, बेमिसाल है। और यहाँ पर एक बिल है भाई, क्योंकि यहाँ कोई नहीं है जानकार आदमी जो हमको यहाँ का सही जानकारी दे सकें। हम वैसे ही लोगों को पूछते पूछते आ गए हैं बाबा आश्रम को निहारने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए। तो हम बाबा जी के आश्रम पर पहुँचे हैं, बाबा धाम के दर्शन के लिए पहुँचे हैं और आप लोगों को दर्शन करा रहे हैं।
और हम इस जगह की ज़्यादा जानकारी आप लोगों को दे नहीं सकते, इसलिए क्योंकि हमारे साथ कोई गाइड नहीं है और ना ही यहाँ कोई जानकार आदमी है। सिर्फ तो हम ही अनजान लोग हैं जो लोगों को रास्ते पूछते पूछते इस जगह पर पहुँचे हैं, और इस जगह की ज़्यादा हमारे पास जो है जानकारी नहीं है। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी ऐतिहासिक जगह है ये बाबा धाम बलुआपारा का, और इसके पीछे की कहानी उतनी भी रोचक हो सकती है और ऐतिहासिक भी हो सकती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे साथ अभी कोई नहीं है जिससे हम इस जगह की ज़्यादा विशेषता जानकारी हम आप लोगों तक दे सकें। फिलहाल हमने अपने साथ श्रीफल लिया है और हम यहाँ पर अर्थी उतर देंगे, उसके बाद हम आगे और चढ़ाई करेंगे, देखते हैं क्या उधर कुछ लोकेशन मिलता है या नहीं। हम कोशिश करेंगे कि इस जगह की पूरी जानकारी हम आप लोगों को दें, बट हमारा पूरा कोशिश रहेगा। आप लोगों का भी पूरा सपोर्ट बने रखें और चैनल पर बने रहिए, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर से दबा दें। दोस्तों आज के इस वीडियो पर हमने आप लोगों को बाबा आश्रम बनुआपारा का दिखाए, लेकिन दोस्तों रुकिए, अगली वीडियो पर हम आप लोगों को दिखाएंगे इससे भी और ज़्यादा अलमोल और खूबसूरत सा दृश्य, महादेव भोलेनाथ जी की गर्भ गुफा। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए, हम अगली वीडियो पे महादेव जी का गर्भ गुफा दिखाएंगे जो कि इधर है लेफ्ट हैंड साइड पर। तो इस वीडियो पर हम यहीं रुकते हैं, मिलते हैं उस वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।